रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर टॉपिक है सीएस 210 पीसी मेंटेनेंस एंड कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग का डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की यूटिलिटी है। जिस प्रकार डोस में पहले एफ डिस्क चलता था और उस एफ डिस्क का यूज़ करते थे, उसी प्रकार आज जैसे विंडोज़ में ड्राइव पार्टीशन करना है या फॉर्मेट करना है या आपको दो ड्राइव मर्ज करने हैं या जो ड्राइव पार्टीशन है उसको फॉर्मेट करना है, तो इस टाइप की यूटिलिटीज़ के लिए बूट सेक्टर कौन सा बनाना, बूट ड्राइव के लिए कौन सा काम में लेना है, इस टाइप से हमें जो काम में लेते थे उसकी जगह विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम में यूटिलिटी है मैनेजमेंट करने के लिए। और डिस्क MGMT नाम से ये फाइल चलती है, डॉट एम कुछ ऐसा है, तो आप हम देखेंगे तो ये नेट पे उस पर कंप्यूटर पे आ जाएगा। तो मैनेज क्या करता है, डिस्क ड्राइव्स की पार्टीशंस को उसको पार्टीशन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया हम पार्टीशन करके बना सकते हैं, इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, विंडोज़ प्लस आर बटन या रन पे क्लिक करेंगे। रन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे रन आएगा। रन के अंदर आप MGMT.m ऐसा कुछ आ जाएगा, एक कमांड ऑटोमेटिक, या MGMT करेंगे तो भी वो चल जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करके हम देख सकते हैं। तो ये विंडो खुलेगी, तो उस विंडो में जो मैनेजमेंट विंडो है उस विंडो में आपके पास में ये टाइटल बार होता है, ये पता आपको, इसमें मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन और क्रॉस बटन। और यहाँ पे जितनी भी ड्राइव्स हैं उन ड्राइव्स की आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, साथ ही उन ड्राइव्स के लिए यहाँ पे ये होंगे, और साथ ही इसका आपके पास में इन ड्राइव्स के में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन सी ड्राइव में कितने कितने पार्टीशन हैं और क्या क्या वो फॉर्मेटेड है कि नहीं है, मैनेज्ड है कि नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आपका एफ डिस्क जो होता था उसके अनुसार काम करता है। तो जब भी हम कोई नया न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो अगर बूटेबल CD से हम करेंगे तो वो पूछेगा कि पार्टीशन मैं चेंज करूं या हार्ड डिस्क के पार्टीशन नए बनाऊं या कोई पहले से पार्टीशन है उसको फॉर्मेट करके उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को डालूं। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा हार्ड डिस्क ड्राइव है वो कम्प्लीटली न्यू की तरह काम करे और पार्टीशन हम चाहें वैसे पार्टीशन होके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, तो उसके लिए हम ये नया रूप से उसको कर सकते हैं। तो पुराने डेटा आपके कम्प्लीटली या ऑपरेटिंग सिस्टम या फाइल्स पुरानी की पूरा आपकी पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी, इरेज हो जाएगी, आपको नया एक फ्रेश सिस्टम मिलेगा। और उसके बाद में आगे क्या आप ड्राइवर वगैरह है या आपके और कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है उसका यूज करके आप इसका आगे की अध्ययन कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो आपकी टेक्स्ट बुक और आपके रेफरेंस बुक्स हैं सिलेबस में उनका यूज़ करके आपके सिस्टम पे इसको स्टार्ट रन करके या विंडोज़ की प्लस R दबा के आप जो आएगा रन का वाला टेक्स्ट बुक्स उसमें आप डिस्क मैनेजमेंट MGMT.ms ऐसा कुछ है उसको करेंगे तो प्रैक्टिकली आपका ये चल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं कि और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड ज़्यादा है, थ्योरेटिकल ये इतना ही है और इसको आप थोड़ा सा और ध्यान से देख के करेंगे। बाकी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप फ़ोन करके आपसे टेलीफोनिकली आप मुझे डिटेल पूछ सकते हैं, ऑनलाइन जब बैठें तो हम देख सकते हैं या क्लासेस लगेगी तो उसके बाद हम लॉकडाउन के बाद इसको करेंगे। तो यहाँ पे मैं वापस रिपीट करता हूँ कि डिस्क मैनेजमेंट है वो हार्ड डिस्क ड्राइव को मैनेज करने का। मैनेज मींस क्या करना है कि पार्टीशन करना है या पार्टीशन बने हुए उनको डिलीट करना है या फॉर्मेट करना है। पार्टीशन बना दिए लेकिन बाद में फॉर्मेट करने के लिए हमने छोड़ दिए तो फॉर्मेट करना है उसको। फॉर्मेट मतलब किस फॉर्मेट में, जैसे आपको मैंने बताया था कि NTFS या FAT16 या FAT32 कौन सा आपको लेना है, उस वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो चाहता है वैसा उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जब इंस्टॉल करते हैं तभी ये। तो इस टाइप की रन विंडो खुलेगी, उसके बाद में आप ये देखेंगे कि अगर पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तब तो ये देखेंगे, अदरवाइज सबसे पहले आप बूटेबल CD से बूट करेंगे तो एक विंडो आएगी, उससे भी आप ये स्टार्टिंग में आप मैनेज करके इसको
कर सकते हैं और उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं और जो ड्राइव बनी है उनको बाद में भी आप फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। तो इसको रिपीट करें और ध्यान से इसको देखें। धन्यवाद।